बॉलीवुड के शानदार और जानदार अभिनेता रहे सुनील शेट्टी वैसे तो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं, मगर अनजाने में ही सही वो भी एक कंट्रोवर्सी का शिकार बन चुके हैं। उन्हें अमेरिका की पुलिस ने आतंकवादी समझकर पकड़ लिया था। निर्देशक संजय गुप्ता अपनी फिल्म कांटे की शूटिंग के लिए पूरी टीम के साथ यूएस गए हुए थे। उसी दौरान अमेरिका में 9/11 का अटैक हो गया। इस आतंकवादी हमले के बाद पूरे अमेरिका में हाई अलर्ट कर दिया गया था। इसी कारण संजय गुप्ता को भी अपनी फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी। संजय गुप्ता की इस फिल्म के किरदारों का जो लुक था वो एक दूसरे से काफी अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ था। सब लोग रफ्तफ जोन में थे मगर एक दूसरे से अलग दिख रहे थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, कुमार गौरव, अक्षय खन्ना, लकी अली और संजय मांजरेकर जैसे मंझे हुए कलाकार थे। इनमें से सुनील शेट्टी शुरू से ही अपनी फिटनेस का खास ध्यान रखते थे। जिस होटल में सुनील ठहरे थे वहां से वो रोजाना ही जिम के लिए जाया करते थे। जिम होटल से काफी दूर था, इस वजह से सुनील शेट्टी सुबह 4 बजे ही अपने होटल से निकल जाते और जिम करके फिल्म के सेट पर जाते। एक दिन सुनील को जिम में ज्यादा समय लग गया। वो सेट पर लेट नहीं होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने किरदार का लुक जिम में ही पहन लिया और वहां से सीधे फिल्म के सेट की तरफ जाने लगे। सुनील शेट्टी के संदेहास्पद लुक की वजह से अमेरिकन पुलिस ने सुनील शेट्टी को आतंकवादी समझ लिया। फिर क्या था, सुनील को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। सुनील शेट्टी को पुलिस वालों को बहुत समझाना और सबूत दिखाना पड़ा कि वो कोई आतंकवादी नहीं है बल्कि एक बॉलीवुड एक्टर है और जिस लुक में दिखाई दे रहे हैं ये उनकी फिल्म का गेटअप है। फिल्म में सुनील शेट्टी ने मार्क नाम के एक बाउंसर का किरदार निभाया था और इसी फिल्म से सुनील शेट्टी का नाम अन्ना पड़ गया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपनी खुशमिजाजी और मुंहफट होने के लिए जाने जाते थे। फिल्म कांटे के सेट पर भी वैसे ही मस्ती में रहते थे। संजू बाबा ने ही उन्हें अन्ना यानी बड़ा भाई बुलाना शुरू कर दिया था। इसके बाद अमिताभ बच्चन भी उन्हें फॉलो करने लगे और सुनील शेट्टी को अन्ना बुलाने लगे। धीरे धीरे सेट पर सभी लोग उन्हें इसी नाम से बुलाने लगे और अब हर उम्र के और हर वर्ग के लोग उन्हें अन्ना ही बुलाते हैं।